हैलो जैन दोस्तों मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासिस में आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स प्रीवियस ईयर के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगेगा उम्मीद चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे जो प्रश्नों की टोटल संख्या है वो टोटल तीस होने वाली है प्रीवियस के लगभग प्रश्न रहेंगे आपके ये प्रश्न आपके 2008 से लेकर 2019 तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उस समय जैसा लेवल रहता था, हमने उस से आप लोग कम से कम ट्वेंटी के आसपास का स्कोर लेकर चले स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं फटाफट से आंसर करिएगा सात छे आठ या फिर ग्यारह हां जी सभी को गुड मॉर्निंग जय हिंद राधे राधे भाई पवन भाई कलम अकेडमी सोनू आशुतोष चौबे खुशी मदन टारगेट वेरी गुड चलिए आंसर करिएगा कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं क्या आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है कबड्डी के खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सात होती है ठीक है इसके अलावा पूछेगा किस खेल में छह खिलाड़ी होते हैं तो खेल है आपका वॉलीबॉल वॉलीबॉल वौल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या छह होती है आठ खिलाड़ी किसमें होते हैं तो जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक खेल में आठ खिलाड़ी होते हैं जिसमें छ खेलते हैं और दो प्लेयर एक्स्ट्रा में रहते हैं इसके अलावा ग्यारह आप सभी को पता है क्रिकेट ठीक है क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था यह बताइए जल्दी से बोध गया में लुम्बिनी में सारनाथ में या फिर वैशाली में क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर दीजिए सूरज गाजी हिंदू नाम भी ले लेंगे भाई पहले आप क्लास में चलो आगे तो चलो अभी तो स्टार्ट की है क्लास वेरी गुड आंसर करिएगा इस प्रश्न का क्या आंसर देंगे जल्दी से जी चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन में देखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था यह हुआ था लुम्बिनी में आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा लुम्बिनी कहाँ पे है नेपाल में है पूछेगा कब हुआ था तो पांच ईसा पूर्व में हुआ था यह सभी को ध्यान रखना है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई है कौन बताएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है कुशीनगर में यह ध्यान रखिएगा कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में है चार ईसा पूर्व में इसकी जो है इनकी मृत्यु हुई थी ठीक है ये प्रश्न आपको ये सन भी याद रखने हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां खोला था आगरा में कर्नाटक में सूरत में या फिर मैसूर में जल्दी आंसर दीजिए वेयर इन इंडिया डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री कुशीनगर बहुत बढ़िया मदन एस खान टारगेट प्रिया राठौर लक्की भारद्वाज गुड मध्य प्रदेश में है अच्छा जी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां खोला था भाई तो ये खोला था सूरत में ऑप्शन सी क्या सभी ने आंसर दिया है आंसर मैच करिए ऑप्शन सी आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है मीथेन गैस प्रोपेन गैस इथेन गैस या फिर ब्यूटेन गैस जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए विच गैस इज फाउंड मोस्ट इन गैस सूरत में आशुतोष ठीक है जी मदन गुनिया का आंसर आ गया है मिथेन बहुत बढ़िया भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका मिथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस में या फिर यू कहें कि सर्वाधिक जो है प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं तो मिथेन गैस मिथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है ये ध्यान रखिएगा किसे मार्श गैस कहते हैं मिथेन को बोलते हैं फॉर्मूला होता है सी एच फोर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर फाइव है वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है भाई सोना तांबा जस्ता सोडियम ये प्रश्न ना बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ना सिर्फ आर्मी में जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं एस एस सी इन सभी एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न काफी ओल्ड हो चुका है तो मैं उम्मीद करूंगा कोई भी यहाँ पर गलत तो आंसर नहीं करेगा ठीक है ना सभी को आंसर बिल्कुल सही करना है आंसर दीजिएगा करिए भाई आंसर क्या आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव बिल्कुल सोडियम जो आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सोडियम करेक्ट है सोडियम के अलावा ना कुछ और भी धातुएं हैं जैसे कि आपका हो गया पोटेशियम कभी सोडियम ऑप्शन में ना हो तो पोटेशियम भी आंसर कर सकते हैं इसके अलावा एक धातु है गैलियम ठीक है ये सारी जो धातु है इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी ये तो देखो सभी को पता होना चाहिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 भी समाप्त हो चुके हैं इसका भी आंसर दे दो मुझे आप लोग आईपीएल 2023 हजार का विनर कौन है इस बार जो आईपीएल 2023 हुआ है यह किस टीम ने जीता है इसका आंसर कमेंट करिएगा यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है भाई जल्दी से आंसर दीजिए वेरी गुड आर्मी कलर के लिए भी चलेंगे भाई ठीक है ना अनुभव दुबे क्या हो गया भाई नहीं भाई किसी से दुश्मनी नहीं है सोनू कुमार यादव ठीक है सबका नाम लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है और कोई दिक्कत नहीं है देखो आईपीएल की शुरुआत हुई थी दो आठ में पहला आईपीएल किसने जीता था जो पहला आईपीएल है पहला आईपीएल का विनर कौन था तो ये थे राजस्थान रॉयल राजस्थान रॉयल्स जो हैं ये पहले आईपीएल के विनर थे वर्तमान में आईपीएल किसने जीता है आंसर आ रहा है क्या चेन्नई सुपर किंग ने जीता है किसको हराकर गुजरात टाइटंस को हराकर जीता है चेन्नई सुपर किंग जो है आईपीएल 2023 का विनर है सीएसके के बहुत बढ़िया भाई सारे लोग क्रिकेट देखते हैं मतलब राजू भाई निखिल अमन आप मेरा नाम नहीं लेते अनुभव दुबे भाई गुस्सा मत करो ठीक है ये लो भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था अब इसके साथ ना मैं आपको एक प्रश्न और दूंगा इसी से ही रिलेटेड ठीक है ना देखो जो उन्नीस में वर्ल्ड कप होता पहला विश्व कप उसके कैप्टन कौन है कपिल देव ये सबको पता है ना मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जो पहला विश्व कप का फाइनल मैच हुआ था जो भारत ने जीता था ठीक है ना उसमें मैन ऑफ द मैच कौन थे मैन ऑफ द मैच कौन थे इनके बारे में ना बहुत कम लोगों को पता है सही बताऊं तो बस आपको क्या पता होगा कैप्टन कौन थे भाई कपिल देव कपिल देव की अगुवाई में भारत ने 1983 का विश्व कप जीता था यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पर मैंने जो आपसे ये वाला प्रश्न पूछा है इसका आंसर कौन कौन करेगा जल्दी आंसर करो एक बार इसका कपिल देव ठीक है कहां से हो भाई मैं हरियाणा से हूँ नाइनटीन गलत है भाई है ना दीपू पासवान गलत है भाई अभिषेक शर्मा का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है सबसे पहले सचिन तेंदुलकर तो थे ही नहीं सुनील गवास्कर गलत अभिषेक शर्मा का आंसर आया है मुझे पता था इसमें बहुत कम क्योंकि इनका जिक्र ही कहीं नहीं है भाई ठीक है ना जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो क्रेडिट मिला ही नहीं है मोहिंदर अमरनाथ जी जो है मोहिंदर अमरनाथ कहीं आपने जिक्र भी नहीं सुना होगा मैन ऑफ द मैच थे ऐसे ही जो वर्ल्ड कप हुआ था आपका 2011 में जो इंडिया ने जीता था उसमें गौतम गंभीर मैन ऑफ द मैच थे 97 रन बनाए थे उन्होंने नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने आठ अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है कृष्णा नदी ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु नदी नर्मदा नदी क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर करो भाई जल्दी से फटाफट मेरा नाम नहीं लेते हो सागर पांडे भाई आपका नाम ले लिया है हैप्पी अब आंसर करिएगा कोशिश करना कि आंसर गलत ना हो चलिए दमन सिंह आंसर करिए भाई मोहिंदर अमरनाथ हां जी बिल्कुल सही है इसको याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है ना चलो जी चले सॉल्यूशन पे अलमाटी बांध किस नदी पर है सिंधु नदी गलत आंसर दिया है आपने शुभम पांडे गलत आंसर दे रहे हो और फिर बोलते हो किस आप नाम नहीं लेते हो आवाज आ रही है भाई आर्मी बॉय आवाज में कोई समस्या नहीं है देखो अलमाटी बांध किस नदी पर है कृष्णा नदी पर है ऑप्शन ए करेक्ट है अलमाटी बांध कहां पे है तो कृष्णा नदी कर्नाटक नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने नाइन गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1910, 1911, 1912, 1913 इसके साथ साथ दो प्रश्न का आंसर और दीजिएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया कहां है और इसके वास्तुकार कौन थे गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे जल्दी से आंसर करिए देखें जरा कौन कौन आंसर देगा भाई क्वेश्चन नंबर नाइन है जल्दी से आंसर चाहिए सभी का ठीक है भाई पहला तो 1911 जिस भाई ने दिया है उनका आंसर करेक्ट है बहुत बढ़िया अब इन दोनों का आंसर करो कहां पर है और वास्तुकार कौन थे सर आपके कहे हर ज्ञान के हमारे मन के मस्तिष्क में इस कदर जड़ गए हैं मानो कुछ पलों के लिए सब दुख दर्द झड़ गए आपकी क्लास की तारीफ करे तो कैसे करे गुरुदेव मदन गुनिया भाई बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं पर मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा क्लासेस तो आप देखते हो साथ साथ बुक्स में आपको ज्यादा समय बिताना है है ना जितना आप जितना बुक्स से पढ़ोगे रिलेट करके वो ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि एग्जाम टाइम में ना बुक्स काम आती है मैं देखो भली मेरा यूट्यूब चैनल है मैं चाहता हूं कि ज्यादा लोग वीडियो देखें बट एग्जाम के टाइम में आप रिविजन कितनी कर पाओगे वीडियो से नहीं हो पाती है ना आप साथ साथ नोट्स बना लिया करो और बुक से भी पढ़ा करो इसको आप एज ए प्रैक्टिस है ना प्रैक्टिस के तौर पर लेकर चलो कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है कुछ नया सीखने को मिलता है उसको अपने बुक्स में नोट डाउन कर दे करो नोटबुक में राइट जय सिंह आपका नाम ले लिया है चलो जी स्टार्ट करें देखो इसका ये कहां पर है तो गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है इसके वास्तुकार कौन थे जॉर्ज विवेट जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार है ये ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दस की तरफ आपके सामने स्क्रीन पर जल्दी दीजिए यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है सबसे सिंपल और इजी क्वेश्चन है आपका नंबर नहीं लग रहा है भाई मैंने फ्लाइट मोड किया है मॉर्निंग में फोन है ना इसको ऑन कर देंगे बाद में सर आप बुक्स रिलीज करते हो नहीं भाई सिर्फ ई बुक्स है अपनी मेरा लास्ट एज है क्या होगा मेहनत करोगे तो भाई सब कुछ होगा नहीं तो फिर लास्ट एज अगर में बिठा लोगे तो कुछ नहीं होगा फिर है ना यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है 11 दिसंबर ऑप्शन आपका ए करेक्ट है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी 11 दिसंबर 1946 को अगर आपसे पूछेगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पे है न्यूयॉर्क में है ठीक है ना न्यूयॉर्क आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह है हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है अब ये तो मतलब बिल्कुल ही बेसिक और इजी क्वेश्चन हो गया है ना इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा जल्दी आंसर देंगे फटाफट से क्या हो गया जी चलो वेरी गुड यूनिसेव देखो हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है तो नाइट्रोजन होता है सर्वाधिक अप्रोक्सीमेट 78% परसेंट दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होता है अप्रोक्सीमेट ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर बारह पर आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए विटामिन गूसबेरी विटामिन विटामिन आंवले में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपकी जो ई बुक है वो थोड़ी इजी है कुछ और बताओ जो हार्ड हो तो सुनो फिर बुक्स ले लेना आप लोग घटना चक्र ठीक है घटना चक्र की एसएससी स्पेशल बुक आती है आप इसको पढ़ सकते हैं इसके अलावा यूनिक पब्लिकेशन की भी आती है पर घटना चक्र इनफ है थोड़ा सा अगर हार्ड चाहिए आपको ये मेरी जो बुक्स है वो बेसिक लेवल है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर है उसमें है ना आंवले में कौन सा विटामिन होता है विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए देखिए गाजर आता है एग्जाम में गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन ए विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है ठीक है ना सौर ऊर्जा से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने तेरा है जी भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था वारेन हेस्टिंग्स लॉर्ड कर्जन लॉर्ड क्रिप्स या फिर लॉर्ड माउंट बेटन सर आंवला ही खा रहा हूं अच्छा जी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी ठीक है विटामिन सी का रासायनिक नाम है सर कल मैंने बुक ऑर्डर की थी पर वो ऑर्डर शो नहीं हो रहा है कैसे नहीं शो हो रहा है भाई वो बुक आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो वहां से ठीक है ना आपने बुक परचेस कर ली है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है क्या है आपके पास पीडीएफ में सेव हो जाएगी आप उसको डाउनलोड कर लीजिए लॉर्ड माउंट आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मैच करिएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है वारेन पता है ना सत्रह रेगुलेटिंग एक्ट के समय रेगुलेटिंग एक्ट के समय इसके अलावा क्या है लॉर्ड कर्जन सभी को पता है 1905 बंगाल विभाजन के समय वायस राय थे बंगाल विभाजन के समय वायस राय थे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है ग्यारह मार्च तेरह जून चौबीस फरवरी पंद्रह मार्च इसमें भी फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट जो है वो रॉन्ग आंसर करने वाले हैं फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट क्या आंसर करेंगे इसमें रोंग आंसर करेंगे मुझे पता है आंसर करिए एक बार क्वेश्चन नंबर चौदह जरूर डालिएगा चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा सर थोड़ा लेट हो गया है कोई बात नहीं भाई लेट हो गया है तो कोई बात नहीं क्रिप्स मिशन 1942 में आया था बिल्कुल करेक्ट है आपका लक्की भारद्वाज चले सॉल्यूशन पे देखो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस अभी तक आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास अभी भी आंसर नहीं आया आपसे बात करनी है नंबर दिया है भाई इसको कॉल कर लेना एक घंटे बाद चलिए देखो यहां पर क्या है 24 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 15 मार्च भी ध्यान रखिएगा क्या है भाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ठीक है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट बढ़ते हैं पंद्रह नंबर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या फिर बिहार जल्दी से आंसर दीजिए जी सर आर्मी स्टडी के लिए कितने घंटे देने चाहिए देखो अभी तो फिलहाल आप क्या करो तीन से चार घंटे तीन तीन घंटे दोगे तो भी इनफ है पर डेली देना है ना डेली जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद टाइम को बढ़ा लेना तब तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लो यहाँ पे मध्य प्रदेश ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जी देखो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है यहाँ पर सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी हैं इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है यह भी पता होने चाहिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सोलह नंबर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है अगर यह भी प्रश्न गलत कर दिया आपने तो आप तो फिर तैयारी में बहुत ज्यादा पीछे हो जी ठीक है आंसर करो अब मुझे साथ साथ आप लोग क्या बताएंगे वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है जल्दी से इसका भी आंसर करो सोलह नंबर हर हर महादेव शिव कुमार सर आसाम से हो मैंने सबको बोल दिया है लाइक करने के लिए बहुत बढ़िया भाई चलिए गुड ईटानगर आंसर आ रहा है यह भी आंसर देना है भाई वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है और गूगल नहीं करेगा कोई भी जिसको आता है वो आंसर करेगा जिसको नहीं आता है वो सॉल्यूशन देखेगा देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है ईटानगर है इम्फाल किसकी कैपिटल है तो मणिपुर की कैपिटल क्या है इम्फाल है इसके अलावा क्या है पणजी पणजी तो गोवा की राजधानी है राइट दिसपुर किसकी कैपिटल है तो दिसपुर असम की कैपिटल है वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू भाई हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है ठीक है ना गलत बात अभिषेक शर्मा का राइट आंसर आया है पेमा खांडू आशुतोष चौबे का राइट आंसर आया है बहुत बढ़िया जगमोहन रेड्डी नहीं नहीं जगमोहन रेड्डी नहीं है पेमा खांडू है बताइए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है सत्रह नंबर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है इसका आंसर कौन करेगा भाई लेक बैकाल झील मिशिकन झील टिटिकाका झील या इनमें से कोई नहीं विश्व की सबसे गहरी झील का नाम बताइए जल्दी से आंसर करिएगा जी क्या आंसर देंगे भाई ये जगमोहन रेड्डी जो आंसर दे रहे हैं ना वो आंध्र प्रदेश के सीएम है यार आंध्र प्रदेश अरुणाचल और आंध्र प्रदेश में कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यह अरुणाचल प्रदेश पूछा था यहां पर बैकाल झील करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे गहरी झील है कहां पर स्थित स्थित है है तो रूस 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 में रूस में रूस के में के के साइबेरिया साइबेरिया क्षेत्र क्षेत्र बैकाल झील लोकेटेड है जी नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अठारह महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था भगत सिंह जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस वल्लभ भाई पटेल अठारह नंबर का आंसर दीजिएगा भर्ती कब आ रही है रणजीत कुमार भर्ती आ जाएगी जनवरी तक जनवरी फरवरी तक आपकी वैकेंसी भी आ जाएगी सर जीएफ की वजह से क्लास नहीं कर पा रहा हूं क्या करूं देखो या तो क्लास छोड़ दो या जीएफ छोड़ दो दूसरी चीज अगर जीएफ कॉपरेट कर रही है क्लास करने के लिए तो उसको बाद में टाइम दे दो बट दोनों चीजें एक साथ जो है स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस रेट कम हो जाता है बस सीधी बात समझ लो ठीक है ना यहां पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था नेक्स्ट बढ़ते हैं उन्नीस नंबर गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है एसिटिलीन नाइट्रोजन मिथेन हीलियम गुड बहुत बढ़िया भाई वेरी गुड गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है हीलियम गैस, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाता है क्योंकि यह हल्की गैस भरी होती है इसलिए और हीलियम गैस का प्रयोग हल्की होने के कारण वायुयान के टायरों में भी भरी जाने भरी जाती है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है तो हीलियम गैस गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है नाइट्रोजन ब्यूटेन व प्रोपेन इथेन मिथेन आपकी बुक बहुत अच्छी है पांच दिन से पढ़ रहा हूं चौधरी हरीश बहुत बढ़िया भाई ऐसे ही पढ़ते रहिए हार्ड भी पढ़ाएंगे भाई अभी मिक्स करवा रहे हैं हार्ड भी करवाएंगे टेंशन मत लो आप गैस सिलेंडर क्या होता है एलपीजी की बात कर रहा है एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन भरी होती है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मैच कर लो भाई मैच कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी वन पर संग्रहालय कहां पर स्थित है आगरा चेन्नई हैदराबाद बेंगलुरु सलार जंग संग्रहालय कहां स्थित है कौन आंसर दे रहा है भाई आंसर सभी का बिल्कुल सही चाहिए सर क्वेश्चन बहुत इजी है आज के थोड़ा हार्ड पढ़ाओ ऐसे क्वेश्चन नहीं आते अग्निवीर में हार्ड भी पढ़ाएंगे भाई ऐसे भी आते हैं है ना ऐसे प्रश्न भी आते हैं मैंने लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर तो भी प्रीवियस ईयर चल रहा है कल आपके लिए थोड़ा सा मीडियम लेवल का लेकर आते हैं मिक्स क्वेश्चन ठीक है है ना मैं नोट्स बनाता हूं आपकी क्लास के बहुत बढ़िया जी सलार जंग संग्रहालय कहां पे है? हैदराबाद में आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बाईस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्टेबलिस्ड दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई ये दोनों की दोनों प्रश्नों के आंसर मुझे आपसे अभी की अभी चाहिए फटाफट से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर बाईस मेरी एज बीस साल तीन महीने है जीडी का फॉर्म भर सकते हो भाई कोई दिक्कत नहीं है सर आते हैं मेरे को पता है ओके जी ये अठारह नवासी किसने आंसर दिया है भाई राम बाबू शर्मा ये क्या सोचकर आंसर किया है आपने ये आंसर नहीं है ठीक है ना ये आंसर नहीं है देखो पहला क्वेश्चन अठारह में आधुनिक ओलंपिक उलंप, समिति का गठन हुआ था खेलों की शुरुआत कब हुई इसके दो साल बाद अठारह में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी अठारह आंसर किया है ना चलेगा नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने तेईस है नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी बताइए वेन वर द नोबेल प्राइज स्टार्टेड नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई हर हर महादेव भाई देखिए दो प्रश्न और ले लेता हूं मैं है ना पहला क्या है यह नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है एक तो आपको यह आंसर करना है दिया जाता है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दूसरा मुझे आंसर करो कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह किस देश के द्वारा दिया जाता है शांति का नोबल कौन सा देश देता है कौन सा देश देता है शांति का नोबल किस देश के द्वारा दिया जाता है और यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है आंसर करिए तेईस नंबर जल्दी से भाई छह क्षेत्रों में दिया जाता है 1901 में शुरुआत हुई है राधे राधे भाई अंशुल कुमार ठीक है भाई 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है करेक्ट है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है है लगभग सभी का आंसर आ गया छह क्षेत्रों में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है हां जी तेरह में टैगोर जी को मिला था सिर्फ सूरज यादव का अभी तक राइट आंसर आया है स्वीडन नहीं है स्वीडन नहीं है देखो नॉर्वे में नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है नॉर्वे के ऑस्लो शहर में शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के ऑस्लो शहर में दिए जाते हैं ठीक है और बाकी जितने भी अदर पांच बस्ते हैं वो देती है स्वीडिश गवर्नमेंट स्वीडन सरकार राइट क्वेश्चन नंबर चौबीस विद्युत बलव का आविष्कार किसने किया था सिंपल थॉमस एल्वा एडिसन फ्रैंकलिन, मैरी क्यूरी ग्राहम बेल देखो अगर ये क्वेश्चन ना मैं नहीं भी करवाता तो भी आपको पता होना चाहिए था यूट्यूब पर आप कभी भी मोटिवेशन लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं ना तो 50 परसेंट से ऊपर मोटिवेशन स्पीकर हैं जो भी हैं वीडियोस बनाते हैं उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है है ना कि भाई एक हजार बार फेल हुआ इतनी बार फेल हुआ है इसके बाद जो है बल्ब का आविष्कार हुआ है ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वीडियो बने हैं तो वैसे भी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए चौबीस नंबर चलिए थॉमस एल्वा एडिशन जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए करेक्ट है मैडम क्यूरी ने किसका आविष्कार किया है रेडियम रेडियम की एक खोज किसने की मैडम क्यूरी ने ग्राहम बेल ने क्या किया है टेलीफोन टेलीफोन 25 नंबर है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है संवेग का नियम ऊर्जा का नियम जड़त्व का नियम आघूरण का नियम 25 नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिएगा फटाफट से भाई जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग कोई लाइक नहीं कर रहा है देख लो भाई अनुराग कोई लाइक नहीं कर रहा है आप बोलेंगे नहीं बार बार चले सॉल्यूशन पे न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है जड़त्व का नियम कहते हैं जी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है क्या बोलते हैं गैलीलियों का नियम भी कहा जाता है यह भी आपको ज्ञात होना चाहिए सर ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा सामने स्क्रीन पर मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं यह क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं तो यह गलत नहीं होना चाहिए हरपेट्रोलॉजी मैंने करवाया था ना सरी सिर्फ का अध्ययन होता है उभे और सरी का अध्ययन हरपेट्रोलॉजी अब यहां पर मछलियों का अध्ययन पूछा है गुरु जी मैं बहुत ज्यादा लेट हूं कोई बात नहीं भाई सर मेरा शादी हो गया है अच्छा जी सुमन ब्यूटी क्या करें फिर संभाजी नगर से हैं आई एम विनोद ओके जी विनोद जाधव अच्छा देखो कल हमने दशहरे के उपलक्ष्य में एक अवसर चलाया था आपको पता है ना हमारी जो जितनी भी प्रैक्टिस सेट थे ई बुक थी वो सेवनटी नाइन रुपीज की मिल रही थी सिर्फ सेवनटी नाइन में हमारी ई बुक भी मिल रही थी और सेवेंटी नाइन रुपीज के ही हमारे मॉडल पेपर्स भी मिल रहे थे अब क्या है कल मैंने नंबर दिया था आपको स्टूडेंट ने बहुत सारे कॉल किए हैं कि सर सडनली जो है अरेंजमेंट नहीं हो पाया है एक दिन का ऑफर और एक्सटेंड कर दीजिएगा आप ठीक है तो आज आज रात के आठ बजे तक है ना आज रात आठ बजे तक ही हमारा ये ऑफर अभी भी वैलिड है सिर्फ आज रात के आठ बजे तक कैसे करना है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा जब क्लास खत्म हो जाएगी अभी क्लास पे चलते हैं ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा एक थियोलॉजी नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे द्वीनम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था रे टॉम लिंसन ग्रेगर मेंडल लीनियस जॉन डाल्टन सर जी आप स्कोर बोर्ड लगाया करो मेरा सिलेक्शन हो गया है सचिन कुमार बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन भाई गुरु जी नाम ले लो एक बार मिस्टर सोनू शर्मा ठीक है जी हां जी बन सकता है जिसकी शादी हो गई वो भी बन सकता है कोई समस्या नहीं है बस एज क्राइटेरिया के अंदर आना चाहिए चलो द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था तो ये किया था जी लीनियस ने ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा द्विनाम पद्धति कौन कौन सी है दो पद्धतियां हैं ना एक का नाम है वंश ठीक है और दूसरी का नाम क्या है जाति है द्विनाम पद्धति है वंश को इंग्लिश में जीन बोलते हैं जाति को इंग्लिश में स्पीसीज बोलते हैं राइट रे टॉमलिंसन ने किसका किसका आविष्कार किया है ईमेल की ईमेल का आविष्कार ईमेल भेजते हो आप ईमेल की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार ग्रेगर मेंडल ने क्या किया है भाई अनुवांशिकता की खोज की है अनुवांशिकता के जनक अनुवांशिकता के जनक और क्या है जॉन डाल्टन बचा है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन बनता है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है तो जॉन डाल्टन ने, ने। नेक्स्ट है 28 निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है करो भाई जल्दी से आंसर है। राम सिंह यादव की बुक ठीक रहेगी ठीक है भाई वो भी बेसिक क्लियर करने के लिए तो ठीक ही है है ना क्लास एकदम ओके चल रही है रही है है भाई वॉइस भी आ कोई समस्या नहीं है ठीक है एक ही चीजें बार बार नहीं आ रही है गुरुजी नाम लेने के उपाय चलो स्टार्ट करें देखो ध्वनि के वेग पर किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अब प्रेशर कम हो या ज्यादा हो उसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा जी नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है वट इज द इंस्ट्रूमेंट दीजर लो टेम्परेचर कॉल्ड हाइग्रोमीटर क्रायो पिकनोमीटर कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है क्लास सुबह दस बजे होती है दोस्त नागेश बिसेन सुबह दस बजे होती है दस बजे जुड़ जाना आप लोग ठीक है चलिए स्टार्ट करें कुलदीप सर क्लास स्टार्ट करेंगे अभी उनकी एकेडमी का काम चल रहा है उनके पास अभी समय नहीं है करेंगे वो बहुत जल्द करेंगे कम तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं क्रायोमीटर का ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा फिर पायरोमीटर पे आ जाओ उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, हैं। हाइग्रोमीटर क्या है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है यह आज का लास्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने स्क्रीन पर और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी देंगे आपको ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है विच गैसेज इज मेनली फिल्ड इन ट्यूबलाइट आंसर दीजिएगा ऑर्गन मिथेन पारे का वाष्प और ऑर्गन हीलियम और पारे का वाष्प हीलियम और ऑर्गन क्वेश्चन नंबर थर्टी है राम राम भाई लेट हो गया कोई बात नहीं अंकुश भाई जाओ मोस्ट वेलकम है आपका इसको बाद में भी देख सकते हो आप लोग कोई समस्या ही नहीं है ठीक है ना दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है देखो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है एक होता है लो टेंप, लो प्रेशर पर पारा कम दाब पर पारा और ऑर्गन यहां पे क्या है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा जिस भी भाई बहन ने ऑप्शन बी को दिया है ना उनका राइट आंसर है तो ये थी आपकी आज की क्लास पूरे तीस प्रश्नों की बताइएगा सेशन कैसा लगा है इन तीस में से आपने कितने प्रश्न राइट किए हैं आप लोग अभी के अभी कमेंट करना शुरू कर दो ये क्वेश्चन होमवर्क का है हम कल डिस्कस कर लेंगे स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्शन अवेलेबल है इसका आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं आप लोग पूछ रहे थे कि सर जिनको नहीं पता है कल हमारा ऑफर चल रहा था आज के लिए ऑफर एक्सटेंड किया है मुझे सिर्फ आप लोग एक मिनट का समय दीजिए तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं ठीक है ना आप लोगों ने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं उसका जल्दी से जल्दी कमेंट करिए एक बार फटाफट से देखो भाई पहली चीज आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है शुभमी क्लासेस प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सिर्फ आज रात के आठ बजे तक है आपके कहने पर इसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा अभी ये।, ये हमारी आर्मी स्पेशल ई बुक है हिंदी लैंग्वेज में है सिर्फ ये ये आपको आज ही के लिए ओनली सेवनटी नाइन रुपीज की है आज भी ये लागू है ऑफर सेवनटी नाइन रुपीज ओनली इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ निकाल के इसका डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं फिर ये हमारी टेस्ट है जिसमें 20 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको ये 149 की नहीं है यह भी आज के दिन ओनली ओनली सेवनटी नाइन की ही मिलेगी आपको ठीक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी प्लस ये डाउनलोड नहीं होगी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी लगा रखी है जीरो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है ठीक है इसका आप एप्लीकेशन में ही टेस्ट लगा सकते हैं और किसी को कोई भी हेल्प चाहिए एप्लीकेशन के रिगार्डिंग या कोई इशू है तो ये हेल्पलाइन नंबर है सौ एक आप इस पर कॉल कर सकते हैं पर बहुत ज्यादा अर्जेंट होगा तभी आप लोग कॉल करिएगा चलिए राइट है भाई चलो फिर आप बढ़ते हैं एक बार आपके कमेंट पढ़ लेते हैं आज अट्ठाईस सही हो गए हैं कोई बात नहीं भाई आर्मी डिफेंस कल थोड़ी सी हार्ड लेके आ जाएंगे क्लास दीपक के सत्ताईस हैं सोनू के बाईस हैं बहुत बढ़िया भाई राधा कृष्ण आर्ट चौबीस गुड मेरा एज तेईस हो गया है तो भाई आप और ट्राई कर दो एस सी आने वाला है अभी एस सी भर लेना पहला दिन है मेरा तो इक्कीस कोई बात नहीं चलिए तीस बीच में आपकी क्लास नहीं लगती हाँ जी एक हफ्ता क्लास मिस थी है ना रीजन मैंने आपको बताया था चलिए जी ठीक है फिर क्लास को बंद करते हैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को पसंद आया होगा मिलते हैं अपन कल सुबह दस बजे किसी और अच्छे सेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत